28 सितंबर 2023 का जूम मीटिंग का रिकॉर्डिंग है। अगर आप लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है रैपिड बाजार की तरफ से जो सुमित सर ने लिया है। तो आप लोग इस जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग को पूरा अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को बताया गया है और विड्रॉल किस तरह से आप कर सकते हैं वो बताया गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अपने सभी टीम मेंबर को जरूर शेयर करें। अगेन सबका स्वागत है इस रैपिड फैमिली में। और पिछले कुछ दिनों से जो आपके कान तरस रहे हैं सुनने के लिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें एक ही जगह के डिपेंड हो जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये एक ही सलूशन है उस चीज को लेकर। तो आज पर्पस ये था कि एक लंबी समस्या को निजात कैसे पाया जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी टीम का रेस्पॉन्स है पिछले डिसीजन के बाद, एक बहुत अच्छा बहुत बड़े रेस्पॉन्स है, बहुत अच्छे से ग्रोइंग पावर रही। लेकिन वो ग्रोइंग पावर मोस्टली सबका इलाज नहीं कर सकती, मोस्टली कुछ लोगों का इलाज हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग जानते भी हैं। क्योंकि तो अभी जो डाटा एंट्रीज है वो 1000-5000 ऐसे कार्ड पे काम चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी स्पीड से चलने के लिए अगर आप इस एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा बने थे तो कहने की करोड़पति बनने के लिए बने थे। और करोड़पति बनने के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसी स्पीड से जाएंगे तो कई साल लग जाएंगे, साथ ही फिर अपना एक्सपीरियंस लाइफ अपनी चला सकते हैं, घर घर से चल सकता है, रोजमर्रा की जिंदगी को चला सकते हैं वो उस बिजनेस के साथ पे जो एक मेरा एक्सपीरियंस भी आपका भी होगा। और दोस्तों ये एफिलिएट मार्केटिंग एंड आप जो दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये बड़ा फास्ट वे के बिजनेस होते हैं। आप इसको बहुत स्लो करेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं करेंगे, लेकिन एक P20 मैच की जैसा खेलेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी भी आता है। और एक हर किसी के पास पावर रहती है, बैकअप मनी हो जाती है। स्लो स्लो में क्या होता है कि डेली का आउटगोइंग मोड रहता है, उस आउटगोइंग मोड पे एक बैकअप को अरेंज करना बड़ा टफ रहता है, क्योंकि डेली एक्सपेंस, डेली पे आउट्स और डेली मैनेजमेंट का काम रहता है। तो स्पीड पिछले रंजन सर के डिसीजन के बाद अच्छी रही, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि जो हम एक दिन में उसको रात रात ठीक कर दें। और कुछ लोग जो टीम लीडर्स हैं सब लोग जानते हैं, तो मैं आपकी कुछ चीजें इसलिए डिस्कस करने वाला हूँ ताकि ये जो आप रोज वेट करते हो कि आज ठीक हो जाएगा, तो आप कल वेट करते हो कि अभी ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक ऐसे बातों से या किसी के वेटिंग पीरियड से या किसी एक आदमी से नहीं होगा। ये हम सबको ही करना पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा, ऑप्शन यही है। और करने का मतलब ये है कि काम करना पड़ेगा, लेकिन चैलेंज ये है कि काम किस फेस पे किया जाए। चैलेंज फिर ये आ जाता है कि काम किस बेस पे किया जाए, चैलेंज फिर ये आता है कि काम किस टॉपिक पे किया जाए, चैलेंज फिर ये आ जाता है कि काम का जो तरीका है वो कैसे किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग काम करने को रेडी हैं, सब लोग काम कर भी रहे हैं मार्केट में भी, क्योंकि ये फैमिली जो पिछले 2 साल से बनी हुई है ये एक पावर है अपने आप में। और किसी के साथ में 2 साल के साथ रहना, एक अननोन के साथ भी रहते हैं तो दोस्ती फैमिली बन जाती है, तो ये भी फैमिली ऐसी है कि छोड़ने का मन भी नहीं कर सकते और छोड़ नहीं सकते। वही एक अटैचमेंट हो जाता है कि हम एक साथ इतने दिनों से एक ग्रुप के लिए, एक संस्था के लिए, एक बैनर के लिए काम कर रहे हैं, तो बैनर हमेशा हमारे साथ में है और बैनर के साथ बने रहेंगे। तो बैनर का क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं हम लोग जो बैनर अभी रैपिड ग्रुप का पिछले 2 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो उस रैपिड के अभी जो बहुत सारी चीजें रही हैं, चीजें का मतलब ये है कि जो बहुत सारे काम करने थे उस तरीके से नहीं कर पाए, करने के रीजन सिर्फ ये भी समझ लो कि जो करने की तैयारी थी और कुछ डिसीजन आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ ग्रुप आगे पीछे हो जाते हैं। और कभी कभी ना अच्छे अच्छे काम को एक ऐसी नजर लगती है कि वो चलते चलते काम खराब हो जाए, तो इस फैमिली को थोड़ी सी नजर इसी की लगी शायद, मुझे ऐसा लगा। नहीं तो इतना अच्छा परिवार और इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा सिस्टम इतने और प्रॉब्लम पे आगे खड़ा हो जाता है, ऐसा मुसीबत नहीं था। इसमें हम समय का भी अभाव समझ सकते हैं, इसमें मैं किसी को किसी एक आदमी को दोष नहीं दे सकता, इसमें कुछ डिसीजन की भी गलती हो सकती है, क्योंकि डिसीजन गलत ले ली, या कुछ इसमें कि डिसीजन जो राइट टाइम पे लेना था उस टाइम पे नहीं किया, जो कि ना एक्शन लेना चाहिए था। ये जैसे लगता है कि कोई बीमारी आपको नजर आती है कि ये बीमारी हो रही है और आप उसको इलाज नहीं करो तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते बड़ी हो जाती है। तो एक कैंसर के जैसा एक इन्वेस्टमेंट बना रहता है कि अगर आप उसको इंस्टेंटली खत्म ना करो तो वही आपको
खत्म करने की तैयारी में लग जाता है। यानी या तो आपको बीमारी खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो बीमारी आपको खत्म कर देगी। तो बीमारी हमें पहले खत्म करे, उससे पहले बीमारी को खत्म कर देते हैं। और ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, इस बीमारी को और ना बड़ा किया जाए, नहीं तो जितनी बीमारी बड़ी होगी हम सब लोग साथ खत्म हो जाएंगे। उससे बेटर ये है कि इस बीमारी का इलाज क्या है उसको काम किया जाए। पिछले कई बार इंजेक्शन लगाए गए, इंजेक्शन का मतलब ये है कि कई बार फॉर्मूले अपनाए गए, इस फॉर्मूले पे 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, कोई भी इसमें सक्सेस मोड पे नहीं गया। सक्सेस मोड ना जाने का रीजन कि इतना हाईली वो इंजेक्शन नहीं था कि उसको काम कर सके। वो पावरफुल बीमारी ज्यादा है और इंजेक्शन थोड़ा सा कमजोर है, तो उसकी वजह से वो वर्क नहीं कर रहा। और कहना कि हमें वो काम करना पड़ेगा, वैक्सीन देना पड़ेगा और एक यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा, जिससे कि हम सब अपने ग्रुप के साथ मिल जाए और इस रैपिड फैमिली के साथ बने रहे। जो सपने रंजन जी के संजोए हुए हैं वो सपने बने रहे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने जो मीटिंग आज इसलिए की है कि जो लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाह तो आप समझते होंगे कि जो बात होती नहीं है वो बात मार्केट में जाती है, वो भी इतने गर्म मसाले के साथ जाती है और हमें पता नहीं, हमें पता चलता है किसी दूसरे तीसरे आदमी से। जैसे कल शाम की न्यूज थी, वो मुझे नहीं पता कहाँ से है, मेरे को फोन आया कि रंजन सर पूरी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट कर रहे हैं। और ये न्यूज ऐसी वायरल हुई है और किसने किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास भी इतने फोन लग गए कि सर कहाँ है, रात को 2 बजे के फ्लैट है उनकी, वो वहां जा रहे हैं, ये वहां जा रहे हैं। मतलब कि एक बिना बात की बात थी जो कि पूरी मार्केट में वायरल हुई। अब पिछले 2 दिन में जो रंजन जी ने माहौल बनाया, जो रंजन जी ने उसमें सिस्टमेटिकली कंडीशन लगाई, वो सिर्फ एक किसी आदमी के फोन करने से पूरी मार्केट की मार है। आप समझो कि जो व्यक्ति काम कर रहा था वो पिछले 2 दिन से अच्छा डिसीजन लेकर काम किया, और किसी एक तीसरे आदमी ने जो बिल्कुल पता नहीं कौन था, उसकी एक गलती की वजह से जो काम आना था वो भी स्टॉप कर दिया। सोचते कि जो 2 दिन का बिजनेस हुआ वो कल की एक फोन की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे बताओ कि कौन से तरीके से मार्केट को रेस्पॉन्स करके, रंजन जी फेस करके उसको मार्केट पॉजिटिव करके लेके आएंगे। वो अपने डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, जैसे फॉर्मूला काम करते हैं, तो उसमें एक कोई भी आदमी आकर काम करा देता है। तो ये जो तरीका है अफवाह वाला, जब वो ऑलरेडी सबको एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। ऑलरेडी सबको पता है कि रंजन जी एक अच्छे फंड मैनेजमेंट के लिए गए हुए हैं, जिससे कि शायद हम सबके दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। लेकिन वो दुख दर्द किस आदमी खत्म करने वाले, शायद वो ऐसा डिसीजन वो भी खुद सोचे कि यार मैंने गलत आदमी के लिए पंगा ले लिया। मतलब ये सोचो कि एक व्यक्ति जो हमारे लिए दिन रात करके अपनी फैमिली को टाइम ना दे करके हमारे लिए काम करता है, सुबह से लेकर रात तक मीटिंग 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 और जो मीटिंग सब लोग जानते भी हैं, और शायद इतना डेडिकेशन करने वाला कोई भी सीएमडी एमडी नजर नहीं पड़ता, कोई भी जल्दी से नजर नहीं आएगा। क्योंकि ये जो पावर है ये उस पावर का काम है, क्योंकि उनके अंदर डेडिकेशन है। वो डेडिकेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आज के टाइम पे अपनी कंपनी का सपना जो था वो सपने के साथ काम करे, ना कि किसी के साथ। तो सपना जिसका होता है जब टूटता हुआ नजर आता है तो लोगों को दुख होता है, और दुख भी इसलिए होता है किसी तीसरे की वजह से गलती हो जाए और हम लोग उसको बनाने की कोशिश करें तो आदमी का एक मनोबल सेल्फ कॉन्फिडेंस और डाउन जाता है कि यार शायद, क्योंकि दोस्तों ना एक किसी भी छोटे से काम को करने के लिए बड़ी हिम्मत, और ये काम तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इस काम को करने के लिए हिम्मत भी चाहिए और एक पावर भी चाहिए और एक जिगरा भी चाहिए, और इस मार्केट को कम्प्लीट करने के लिए बड़ा जिगरा होगा तभी काम कर पाएंगे। तो जिगरा ये था कि रंजन जी ने एक सपना देखा, थोड़ा सा एक स्टोर से लेकर 2 स्टोर 3 स्टोर एक रैपिड कंपनी को रैपिड ग्रुप बनाया, लेकिन उस रैपिड ग्रुप को किसी की नजर लगे और बहुत सारे लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े। फिर रंजन जी उसको चलाने की ओर तैयारी करें, फिर सब लोग उसका सपोर्ट करें, लेकिन एक सपोर्ट कर रहा लेकिन एक आदमी पीछे से बोली करके चला जाता, फिर वो सारा सारा जो काम बना 2 दिन में एक दिन खराब है। तो मेरा मतलब ये है कि हम जो चीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, वो शायद एक वे अच्छा है। उसमें मेरे को समझ में आता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब तक हमारे और तुम्हारे काम के सक्सेस होने के 2 रीजन है, और उसके कुछ ना टॉपिक मैंने रेडी किए हैं जो मुझे लगता है। आज मैं प्रॉब्लम पे बात करूंगा और प्रॉब्लम के बाद मैं आपके उस पर भी बात करूंगा कि सोल्यूशन क्या करा जाएगा, प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही अगर सामने खड़े होंगे जब आपको नजर आएगा तो हम लोग काम करने में आसान है। आसान का मतलब ये है कि काम उसी तरीके से हो सकता है जो उसका एक रास्ता है, और जिस रास्ते पे हम लोग अभी चल रहे हैं वो रास्ता एक ऐसा रास्ता है, अगर इसी तरीके से चलते हैं तो शायद जितने भी कारवां बने थे वो पीछे की सारी चीजें खराब हो जाएंगी, और जो टीम बनी है वो भी खराब हो जाएंगी, जो कुछ पैसे बनाए थे शायद वो भी खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, तो आगे तक पैसा बड़ा नहीं बना पाएंगे।
जो अभी का सिचुएशन आपको सुकून नहीं रहता, हालांकि कोई मुंह पर नहीं बोलता, लेकिन बैकअप में सारी बातें वही कर रहे होते हैं वो, ये सब आपको अच्छे से जानते हैं, सब लेटर जानते हैं। तो मेन क्या है कि अभी आपको मैं किसी को भी काम के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, तो ड्यू टू रीजंस की ओनली वो पेमेंट को लेकर फोन करते हैं। क्योंकि अगर आप काम की बात करेंगे तो पहले आपसे पैसे की पूछेगा, और पैसे की पूछेगा तो आपके पास प्रॉपरली एक आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर दो तीन बार हमारे ऐसे हो गए हैं कि जो रंजन जी ने या सिस्टमेटिकली बताया कि फिल्टर्स पे काम करो, या फिर उसके बाद एक बिजनेस कम किया, उसके बाद प्योर पे लेकर फोकस किया, तो कहने की वो सक्सेस मोड में नहीं है, क्योंकि वो दो दिन काम करता है, तीसरे दिन एक आदमी नेगेटिव माहौल पैदा कर देता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। सोचो कि कुछ दिन पहले भी स्टोर पर रनिंग था, एक आदमी ने जाकर पूरा माहौल खराब कर दिया, उसकी वजह से वो स्टोर पर भी नेगेटिव स्टार्ट हो गया। डिसीजन बहुत अच्छे अच्छे लिए जाते हैं कंपनी काम करने के लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होते होते मार्केट में खराब हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें एक ही प्रॉब्लम नजर आती है, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जो भाई मास्टर लोग हैं थोड़ा सा उनकी मदद करना, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा कि स्क्रीन शेयर करती वो अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर देते हैं, और टैलेंट बाद में दिखा देना ताकि अपना काम हो सके। मैंने भी स्क्रीन शेयर आपके साथ में किया होगा, शायद आपको नजर आ रहा होगा, हैंड रेस कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। और मैं स्क्रीन के थ्रू कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जैसे पहले मैं बात करता हूँ, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छा से समझ सकते हैं, और आप समझेंगे तो टीम को समझा देंगे, और आप नहीं समझेंगे टीम को नहीं समझ सकते, एक बेटर वे है बात करने के लिए। अभी तक की इस रैपिड फैमिली में 2 लाख के आसपास की फैमिली हमारे पास अभी है, जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम पे काम करके मेंबरशिप कार्ड लेके बैठे, उस फैमिली के साथ में बहुत सारे लोगों के ड्रीम बने हुए, कुछ लीडर्स जो इस सिस्टम में आए थे उनके एक बड़ा ड्रीम है, और ड्रीम के बोलेंगे तो एक उनको मिलेनियर या बिलियनर बनना है, सीधा बात करोड़ रुपये उनको कमाने हैं, वो करोड़ रुपये अर्न करने के लिए आए थे, और अर्न करने के लिए आए थे, तो उस तरीके से काम भी किया, टीम को बिल्डअप भी, क्योंकि यहाँ भी कोई भी लीडर सब आया था तो कहने की दूसरी मार्केटिंग कंपनी में काम करना था या तीसरी में करना था, उसको छोड़ के आया था, उसने डिसीजन लिया कि रैपिड एक ऐसा ग्रुप है जो कि उसके सारे सपने पूरे कर सकता है, जो उसके अंदर पावर थी, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में बोला जाता था, उनका कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है कि जो बोला जाता है वो क्या है, और जो होता है वो क्या है, वो उनका डिपेंड है। तो इसमें क्या था कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल नजर आती थी, प्रैक्टिकल बोलेंगे तो वो चीजें जो शायद दूसरी कंपनी में नजर नहीं आती, और उसी की वजह से सिस्टमेटिकली टीम बिल्डअप हुई और लीडर्स लोगों ने काम करना सीखा। हाँ, एक थोड़ी सी मिस्टेक स्टार्टिंग से रही, अगर शायद वो मैंने लास्ट मीटिंग में बताया कि स्टोर का जो अर्निंग सोर्स है, जहाँ से एक जनरेशन पार्ट बोलते हैं कि व्यवसाय जो 300% आपको देते हैं वो जनरेशन हिसाब से करते हैं, तो उसका एक ही था, वो था हमारा स्टोर। स्टोर के हम लोग थीम बना के उस पर हम काम करते हैं, उसमें से 300% देते हैं, लेकिन 300% ना देने की वजह से रीजन की सारे के सारे हमारे पॉइंट यूज होते थे, जो कि इसके लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग पॉइंट जो यूज होते हैं उसको 50-50% भी यूज करें, जो कि इस तरीके से बताया गया। लोग उससे बहुत सारे एग्री भी हुए, कुछ लोग नहीं हुए, क्योंकि कुछ लोगों को ज्यादा चीजें होता है, क्योंकि बोलते हैं कि हमारा कमिटमेंट ये था, हालांकि ये चीज रिटर्न में तो किसी को भी नहीं मिलती, लेकिन ब्रांड के नाम के साथ काम करते हैं तो चीजें कहने की एडजस्टमेंट चलता है। उसके बाद जो मेन समस्या नजर आती है वह ये है, वो आपको कहने की एक ही चीज नजर आती है, वो है जो मैंने सिंबल से बात करी, शायद मैं आपको एक बार जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया मैं एक बार हैंड रेस डाउन कर देता हूँ, और जो मैंने अभी लास्ट में पॉइंट लिखा है कि जो प्रॉब्लम मेन है वो क्या है, ये वाली प्रॉब्लम पे आउट, इससे कितने लोग एग्री हैं, मतलब कि अल्टीमेट जो हमारा समस्या का जो समाधान था वो ये है, प्रॉब्लम पे आउट। और आज की थोड़ी सी मीटिंग है वो कल भी होने वाली, सुन जाना, क्योंकि शायद आपको बुरा लगेगा लेकिन मजा आएगा साथ बात करने, क्योंकि आज मैं ना एक परमानेंट सोल्यूशन की बात करने वाला, उसके बाद हम इस बात पे इस चीज को लेकर टॉपिक नहीं करेंगे, लेकिन जो कल का फोर्स जो एक मार्केट में कमेंट करके वो फोर्स जो एक कॉल करके पूरा मार्केट को नेगेटिव कर दिया, उस नेगेटिव से जो था वो जीरो हो गया। कल का बिजनेस और आज के बिजनेस में बहुत जितना उतार था उससे भी ज्यादा डाउन चला गया,
अब मेरी बात समझ में नहीं आती कि जब ऑलरेडी रिकवरी मोड हम लोग कर रहे हैं तो शायद वो अच्छे से हो सकती है, लेकिन जब चीजें बिना बात की मार्केट में चलाए जाए वो पता नहीं कौन लोग हैं, या तो साथ के लोग हैं या फिर वो ऐसी दूसरी कंपनी के लोग हैं जो कहने की बात करें। और नंबर तो सर आज के डेट में व्हाट्सएप ग्रुप के सबके पास है, तो वो कुछ काम नहीं, उसको खाली बैठा होता है, व्हाट्सएप से नंबर निकालता सबको सुनना सुन। एक चलते हुए काम को खराब करने की बात ऐसे में बता रहा हूँ कैसे हो सकता, ये नेगेटिव चीजें नहीं, ये रिकवरी मोड भी रहा। अब काम का कोई भी तरीका रोल नजर नहीं आता। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, मेन है हमारा ये जो पूरा जो बीच का हिस्सा हमारा पेवर्ड गेटवे लोडिंग एंड ट्रांसफर टाइम टेकन के साथ साथ आईनर गेटवे, उसके साथ साथ हमारा इंडियन बैंक, उसके साथ साथ कभी बैंक सर्वर, कभी बैंक का पैसे आईनर का सर्वर डाउन होना, कभी आपके बैंक का सर्वर डाउन होना, ये चलता रहेगा। और जब आप और मैं एक सिस्टमेटिकली काम करने के लिए आए हैं, आप भी काम करने के लिए आए हैं, मैं भी काम करने के लिए आया हूँ, उसमें एक चीज बन जाती है, और आपको बड़ा पैसा बनाना है तो एक ऐसा पेमेंट सिस्टम चाहिए जहाँ से हमारा सारी चीजों को रोशन हो जाए। और पेमेंट सोल्यूशन क्या है उसको लेकर हम लोग बात कर रहे थे, और पेमेंट सोल्यूशन अगर हमारा हो गया तो शायद हमें लगता है कि सारे काम एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। पेमेंट सोल्यूशन, और पेमेंट सोल्यूशन ही सारी चीज का सोल्यूशन है। अगर पेमेंट का सोल्यूशन हो गया कि आपकी जो लिमिट 1000 रुपए है, हमारे इच्छा करता हम आपको 10000 रुपए दे, लेकिन अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली लिमिट के हिसाब से, गेटवे के हिसाब से, फंड ट्रांसफर के हिसाब से नहीं कर पाते। हमारा मन करता हम आपको 1 लाख दे दें, हमारा मन करता 10 लाख भी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेस करें तो 10 लाख भी लेके जाओ, लेकिन पेमेंट को देने का जो वे है, जो रास्ता है, वो एक ऐसा प्रॉपर रास्ता नहीं नजर आता जिससे कि सबको चीजें तरीके से काम करते करते काम किया जाए। अब उसकी वजह से क्या होता है कि एक मैनेजमेंट फेक हो जाता है। और अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये पुरानी चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, और आगे से जो अभी डिस्कस करेंगे वो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अब जो मैं पेमेंट सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, वो पेमेंट सोल्यूशन इसलिए कर रहा हूँ मैं कि ताकि आप लोग समझ सकें और उसको देख सकें, ताकि आगे से आपको पता चले कि सिस्टम कैसे काम करता है। और मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करूंगा, उस वीडियो के बाद में टॉपिक इसलिए शुरू करूंगा ताकि आपको समझ में जाए कि पेमेंट का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उस पेमेंट प्रॉब्लम के बाद जो सोल्यूशन है वो क्या है, और सोल्यूशन के लिए मैं पहले एक वीडियो पे करूंगा, उस वीडियो से आपको पता चल जाए कि हम लोग और आप लोगों के जो बीच की समस्या हम लोग झेल रहे हैं उस पेमेंट को देने का तरीका क्या है। क्योंकि तो बीच में बहुत सारे अपडेट करने के बाद भी हमें समझ में आता है कि जो पेमेंट गेटवेज है प्रॉपर इस तरीके से काम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें और आपको एक अरबपति खरबपति बनने के लिए हम लोग सिस्टमेटिकली आए थे, ना कि एक सिस्टम बना दिया और हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक बड़ा काम करने के लिए आप एक बड़ा समय लेके आए, तो शायद इस पेमेंट के साथ में एक बड़ा अर्निंग बड़ा सोर्स नहीं बना सकते, चीजों को जिंदा रख सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं, लेकिन एक बड़ा जो ड्रीम है वो बहुत जल्दी फुलफिल नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में हमारे जो कॉम्पिटिशन है वो हमसे आगे निकल जाएंगे, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। परिवार बड़ा है, हम कभी भी इस जंप मार सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो परिवार बड़ा है उसके साथ जो जंप मारेंगे वो मार्केट के सारे जो ग्रुप्स कंपनी है उसको फ्लॉप भी, यानी उसको डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ कर सकते। तो इस ग्रुप की जो पावर है उसके लिए एक मैं वीडियो चलाता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा समझ जाएंगे। डियर सब्सक्राइबर, जो वीडियो सुमित सर बता रहे थे कि वीडियो को देखिए, वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और प्लेटफॉर्म पर अपलोड है। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो दिखाऊंगा तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। बट आपको वो वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाओगे तो फिर आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो उस वीडियो को किस तरह से आप देख सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर जाइए, या फिर नहीं तो आप सिंपली आप डायरेक्टली अपने टेलीग्राम को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ऊपर में सर्च बार रहता है और यहाँ पे आप लिखिए अर्नमित वीके। जैसे ही आप यहाँ पे अर्नमित वीके लिखेगा आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आपको सिंपली ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही ज्वाइन करिएगा तो आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पे दिया हुआ है रैपिड बाजार नाउ ऑन क्रिप्टो विड्रॉल, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताया गया कि किस तरह से
रैपिड बाजार का विड्रॉल सिस्टम स्टार्ट होगा। तो पहले इस वीडियो को जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिए और जब वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर टेलीग्राम चैनल में जो मैंने वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है 3-4 मिनट का वीडियो, इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को आगे देखिए। उम्मीद है कि वीडियो जो मैंने दिखाया और एक इंटरव्यू था मेरा जो, और ये सब लोग जानते भी हैं, पिछले 7 साल से हम लोग एक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं जो क्रिप्टो मार्केट शुरू करते हैं, और क्रिप्टो का मतलब ही होता है पेमेंट का सोर्स। मतलब कि क्रिप्टो से ये था कि किसी भी आदमी को पैसा भेजने के लिए ना बैंक का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वह है क्रिप्टो। हमें किसी को पैसा भेजने के लिए किसी का भी वेट नहीं करना पड़ता, वह है क्रिप्टो। किसी का भी अकाउंट ऐड नहीं करना पड़ता, वह है क्रिप्टो। कोई भी टाइमिंग नहीं देखना पड़ता कि बैंक बंद है छुट्टी है, वह है क्रिप्टो। कितना भेजना है उसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम दिन में 1,00,000 भेज सकते हैं, 2,00,000 भेज सकते हैं, वो है क्रिप्टो। किसी का नाम बताए बिना उसको पैसे भेज सकते हैं, वो क्रिप्टो। तो पिछले कई साल से हम उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और हमने इस चीज को आपको बताया भी था कि कुछ लोग जानते हैं, जैसे हम मेटावर्स की एक तैयारी पीछे से कर रहे हैं डेयरी फॉर्म बनाने की, जो हमारी बहुत प्लानिंग थी कि हम डेयरी फॉर्म को वर्चुअल करेंगे। हम यहाँ तक कि ये सुपर मार्केट भी वर्चुअल करने की तैयारी कर रहे थे कि आपको फ्रेंचाइजी देने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे वर्चुअल आपका फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ये सारी चीजें जो फिजिकल होती हैं वो वर्चुअल मेटावर्स में जाने वाली है, ये हम तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर से भी हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे लॉन्च करने की, एक्सपो जाना था लेकिन ना जा पाए थे। लेकिन इस साल मौका था कि हम ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन दे चुके थे क्रिप्टो एक्सपो का, हम उसमें गए थे, उसमें इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट और सबसे ज्यादा ग्रुप कंपनी इस रैपिड ग्रुप के पास ही थी, कहीं किसी के पास ही नहीं, उसकी वजह से अच्छी खासे रिजल्ट भी और व्यूज भी। अब तक का मैं आपको दो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगेन फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा सबसे समझ में आ जाएगा। जिस पेमेंट को लेके हम लोग अभी तक भी फेल हैं, और फेल होने का रीजन क्या है कि हमारे एक लिमिट है जो आईना पर हम लोग काम करते हैं, वो लिमिट हमारी ओपन हो सकती है ओनली फॉर क्रिप्टो के साथ। और क्रिप्टो का मतलब क्या है कि ऑलरेडी ये टोकन जो कंपनी का XRC टोकन है, ये टोकन हमने शायद आपको पता हो कि पिछले 15 अगस्त को हम अनाउंसमेंट करने वाले थे, 15 अगस्त को हम लोग ग्लोबल लॉन्च करने वाले थे। ग्लोबल लॉन्च किसी एक रीजन से नहीं कर पाए थे कि उस वक्त माहौल ठीक नहीं था और उस वक्त कुछ लीडर्स फेवर में नहीं थे, लेकिन शायद उस वक्त हम इसको कर लेते, शायद वो आज जो फेसिंग हम लोग कर रहे हैं अगस्त के बाद सितंबर जो भी निकल गया था, तो 15 अगस्त को ग्लोबल लॉन्च करके एक पूरा ग्लोबली मार्केट खा सकते थे और एक फंड रेस करने का नया एक्सपीरियंस हमारे पास था। क्योंकि आज के डेट में फंड रेस हम लोग कर रहे हैं तो कहने की वो सिर्फ रैपिड ग्रुप के लिए कर रहे हैं, और रैपिड ग्रुप के पास पैसा है तो सबके पास पैसा है, क्योंकि रैपिड ग्रुप अगर अमीर है तो रैपिड फैमिली अमीर है, रैपिड ग्रुप के पास पैसा है तो पैसा किसी के पास नहीं। तो ऑलरेडी XRC टोकन हम लॉन्च करने वाले थे, उसके लिए कॉन्सेप्ट रेडी हमने किया था कि ग्लोबली हम मेंबरशिप कार्ड एक्टिवेट करेंगे। अभी इसके बाद भी बोलेंगे कि ये नया टोकन क्या है, मैं आपको इसकी दो चीजें खास बता देता हूँ। XRC टोकन पहले से बना हुआ है, उसको 2 साल के आसपास बना हुआ है, वो हमने एक बैंक प्लान दिया था पेमेंट के बाद का, $1 के बराबर है, यानी जो टोकन की वैल्यू है वो कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं है, ये फिक्स है, स्टेक कर देते। और जैसे स्टेक करते हैं, जब तुम्हारा स्टेक का जो नंबर आता है, मान के चलो तुमने वो टोकन लिया 100 रुपए का और आपने वो छोड़ दिया 1 साल के लिए 2 साल के लिए, लेकिन जैसे ओपन का टाइम आता है उसका जो रेट होता है वो बचता है 5 रुपए। अब 2 साल के बाद तुम्हारा टोकन था 100 रुपए का, बचा 5 रुपए, फिर बोलते हैं कि आप वेट करो मार्केट ना फिर ऊपर जाएगी, और मार्केट जब अप जाएगी तो फिर सेल कर लेना, फिर आपका जो टोकन है वो फंसा रहता है। यही गेम आज तक मार्केट में चलते हुए हैं। मैं भी पिछले 7 साल से क्रिप्टो में हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत सारे काम किए, इसकी वजह से मैं साइड में चला गया। इसीलिए हम रैपिड ग्रुप में काम कर रहे थे कि आईना से काम कर सके, एक कम्युनिटी बना सके, और कोई भी रियल सिस्टम मार्केट में था नहीं इसलिए मैं काम नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो मार्केट में स्टोरी है वो सारी की सारी बिल्कुल अलग चलती है, लेकिन अपना XRC जो भी है जिस तरीके से हम लोग काम करें उसकी स्टोरी क्या है। अपने XRC का जो रेट है वो फिक्स है, फिक्स का मतलब है कि $1 है, आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि उसका रेट कभी भी कम हो, वो एक स्टेबल टोकन है। और हम आपको ये भी नहीं बोलते कि वो रेट डबल करेगा, कॉइन आपका सेम ऐसे ही रहने वाला जैसा था, वो सिर्फ एक पेमेंट सॉल्यूशन है
आपसे पैसा लेने के लिए और आपको पैसा देने के लिए वो एक सोल्यूशन है। तो पेमेंट सोल्यूशन की सिर्फ एक्सआरसी का यूज पेमेंट सोल्यूशन के लिए किया गया है, ना कि जैसे कि हमारा 1.1 रुपए के बराबर है, सेम एक एक्सआरसी 1 करोड़ के बराबर है, ये पेमेंट सोल्यूशन है, ना कि आपको लालच दिया गया। और ना ही हमने इस कॉइन को बनाने के लिए किसी से आईसीओ उठाया, हमने कोई आईसीओ नहीं चलाया, हमने किसी से पैसा इस कॉइन के लिए नहीं लिया, और ये ना ही हमने कोई इसका स्टेकिंग प्लान बनाया कि आप हमारा कॉइन लेके स्टेक करो, हम आपको प्रॉफिट देंगे इतने साल, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, कोई ऐसा गारंटी बनाए, ये नहीं किया। मतलब जो मार्केट के प्लान थे वो सब कुछ अलग है। और हमने बिना किसी आईसीओ, बिना स्टेकिंग के, हमने पहले जो प्रॉब्लम होती, जो कॉइन कभी भी एक्सचेंज पे नहीं आती, हमने उसको पहले एक्सचेंज पे लिस्ट किया, पहले एक्सचेंज पे लिस्ट किया, ताकि जो हमारी पब्लिक है वो पब्लिक जो है वो कैश कर सके। क्योंकि अब जो पेमेंट है हमें और तुम्हारे बीच में, वो एक ही जोड़ती है, वो है आयरन। क्योंकि क्रिप्टो का जो प्रॉब्लम क्या है कि कॉइन तो बन जाता है, लेकिन उस कॉइन से क्या होता है, कुछ लोग बिटकॉइन बनाते हैं, कुछ लोग इथेरियम, लेकिन आयरन नहीं मिल पाता। आयरन का मतलब ये कि अकाउंट में पैसे कभी भी नहीं आ पाते, बहुत कम चांस है कि वो इंडियन एक्सचेंज पे आता है। इंडियन एक्सचेंज तक आते जाते हैं तो कंपनी में गायब हो जाता है, वो किसी छोटे मोटे एक्सचेंज पे कर लेता है, उसके बाद वो काम नहीं करता। अब जो एक्सचेंज की बात करें, ऑलरेडी एक्सआरसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। एक्सचेंज पर लिस्टेड का मतलब है कि INR में उसका लेन देन अभी भी चालू है, आप चाहे तो ले सकते हैं, दे सकते हैं, INR लिस्टेड है, जिसका रेट ऑलरेडी 1 करोड़ के बराबर है। और 1 करोड़ का मतलब है कि आपका जो एक्सआरसी टोकन बना वो लिस्टेड किया गया, उसके लिए कोई पैसा नहीं उठाया, उसके लिए कोई स्टेक नहीं उठाया, वो पब्लिक को कैश कराने के लिए मार्केट में लाया गया। उस एक्सचेंज का मैं डिटेल दिखा दूँ कैसे काम करेगा। यह है पूरा एक्सआरसी का लेन देन, जो कि अब आपका पेमेंट कैसे काम करता है। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर और कर देता हूँ, आपको बहुत अच्छी समझ में आएंगे। मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन को शेयर किया हुआ, कुछ लोग अभी देख रहे होंगे, एंड्रेस कर सकते हैं अगर दिख रही स्क्रीन को। ओके, ये एक इंडियन का एक्सचेंज है जिसका नाम coingf.in है। ये वेबसाइट भी है और एक ऐप भी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरल कोड मैं भी चैट में आपको डाल दूंगा, उस रेफरल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको चैट में भी मैसेज कर दूंगा। इस एक्सचेंज पर आप जाते हैं तो कुछ 4 मार्केट है, इंडियन मार्केट, यूएसडीटी मार्केट, इथेरियम मार्केट और पीजी मार्केट। अब इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको एक टोकन मिलेगा, वह है एक्सआरसी, मतलब कि रैपिड कैश। रैपिड कैश टोकन ऑलरेडी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, जिसका रेट अभी 87 के आसपास है। मतलब कि इस टोकन को बेचने के लिए आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, ये पेमेंट आपको 1 सेकंड पे क्लिक करने पे आपके सेल हो जाएगा, और सेल के बाद आपके वॉलेट पे क्लिक करके अपना पैसा बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि इस टोकन को बनाने के लिए किसी से पैसा उठाया नहीं गया, ना किसी का पैसा स्टेक किया गया। ये टोकन बना के ऑलरेडी एक्सचेंज पे पिछले 2 साल से है, ये पिछले 2 साल की प्लानिंग थी मेटावर्स की, हम लोगों को लेकर जो हम लेके आने वाले थे। और मैंने आपको उस दिन चैट में भी दिखाया था, जब उमेश जी के साथ हमारी प्लानिंग हुई थी, मैंने जो वो प्लान भेजा था रैपिड बाजार का, उस रैपिड बाजार के प्लान के साथ साथ वो रैपिड कैश का पीडीएफ भी उसमें भेजा हुआ था। ये टोकन पहले से ही बना हुआ था, ना कि हमने आज बनाया। लेकिन हमें पेमेंट डिस्टर्ब होती है तो उसका मतलब है कि पेमेंट को फास्ट करने के लिए एक्सचेंज का यूज करते हैं। अब गेटवे को सेट करते हैं, गेटवे की लिमिट है 1000 रुपए, 5000 रुपए की। एक्सचेंज की लिमिट है 1000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए, 20 लाख। अगर हम आपको एक्सआरसी देते हैं तो आप एक्सआरसी चाहे तो 1 लाख रुपए का बिटकॉइन बनाओ, या मन करता तो आप इसमें क्लिक करके अपना INR अकाउंट में लेके जाओ, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब कि आपके 1000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिटकॉइन आप इस एक्सचेंज से निकाल सकते हैं, जिसमें कि शायद रंजन जी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेआउट के लिए, ना मुझे फोन करनी पड़ेगी, तो एक्सचेंज अपना काम प्रोफेशनली कर रहा है। दूसरा, इस एक्सचेंज के थ्रू आप बिटकॉइन भी इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपना एक्सआरसी पहले से सेफ ऑन बोर्ड पे मार्केट में स्टेबल है, मतलब अब आपको ये टेंशन नहीं कि अगर आपको कोई नहीं तो उसका रेट कम होने, वो फिक्स है, वो 87 और 90 के बीच में रहेगा। 87 उसका सेलिंग रेट है और 90 उसका बाइंग रेट है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भी उसको ट्रेड में लगी होगी बाइंग की, 86, 90, 87, 88 ऐसा करके वो पूरा ट्रेड लगा होगा 90। तो आपको खरीदना तो 90, 87 में मिलेगा, बेचना तो 87 पे जाएगा मिलेगा। इस तरीके से पूरा मार्केट ही रन करता है, ये पहले से एक्सचेंज पर लिस्टेड है, इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं। अब ये सारा सिस्टम इसलिए रेडी किया ताकि आपकी जो पेमेंट की लिमिट है वो की जाए। लेकिन जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग, उस तरीके से शायद पेमेंट 10 लाख तो देने पास्ता है, लेकिन 10 लाख देंगे कैसे वो काम के ऊपर डिपेंड करेंगे। उसके लिए अनाउंसमेंट हम लास्ट टाइम करने वाले थे लेकिन डिस्कस नहीं किया, और उस वक्त हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद भी लीडरों के साथ डिस्कस किया, लेकिन वो बोले कि बहुत ठीक नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा चीजें नहीं हुई। इसलिए रैपिड बाजार इंटरनेशनल को हमने लॉन्च किया था, ताकि ये कार्ड हमारा जो ग्लोबली, जो आपने इंटरव्यू में सुना कार्ड हमारा, वही है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड,
लेकिन उस कार्ड को लेने के लिए जो पैसा है वो INR नहीं रहेगा, उसके लिए एक्सआरसी लगता है। जो एक्सआरसी आपको या तो एक्सचेंज से लेना पड़ेगा या फिर किसी एक आदमी के पास है तो उसे लेना पड़ेगा। अच्छी बात है कि एक्सआरसी हमारा किसी मार्केट में नहीं है, एक्सआरसी किसी के पास भी नहीं है, एक्सआरसी के लिए आपको एक्सचेंज का यूज करना पड़ेगा। तो आप कॉइन परचेस करेंगे, उसके बाद कार्ड परचेस करेंगे। कार्ड भी आपका अभी फिलहाल के लिए हम ग्लोबली कहीं भी यूज नहीं करा सकते, इसमें सिर्फ एक ही बेनिफिट आपको दिया गया है कि वो जो आपका कार्ड है वो ग्लोबल कार्ड है। लेकिन उसमें जो हम लोग, मैं एक पेज और दिखा देता हूँ आपको, उस सबको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीजें बात हो रही तो प्रॉपरली को समझा दी जाए, नहीं तो आपको फिर समझ में आने फायदा नहीं है। क्वालिटी कार्ड हमारे वही है ग्लोबल सिल्वर गोल्ड, लेकिन फर्क है कि इसमें डॉलर के बराबर है, $100, $5 और $25 कार्ड वही है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम कोड वही है, लिमिट 300% है, सेम प्लान है। उसमें जो आपकी ROI है 0.8% जो अभी हम इंडियन मार्केट में देखते हैं, ग्लोबली प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट इनकम वही सेम 5%, लेवल इनकम जो हम अभी आरवाई के आरवाई जो है पीजर पॉइंट बोलते हैं वो भी 25 लेवल है, वहाँ पे 20 लेवल, जो भी कुछ लोगों ने डिसीजन दिया था कि सर कुछ लेवल कम कर लो तो कम करने से बढ़िया कि इस पे काम कर लो। दूसरा है इसमें कूल डाला गया है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, सिर्फ इस कूल की एक ही पावर आपको बता दूंगा और आप समझ जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल के लिए समझो कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पिछले कुछ महीने पहले रैपिड में आया था, लेकिन जब से वो आया है उसने एक भी आईडी नहीं लगाई, उसका एक भी व्यक्ति नहीं आया है, नहीं कंपनी में काम चल रहा है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि उसको सिर्फ 3 महीने से पैसा मिलेगा। अभी रैपिड ग्रोथ में क्या होगा कि अगर आपने काम भी नहीं किया, अगर आपने सिर्फ सिस्टम में आईडी लगा के छोड़ते हो, तो अगर आपके नीचे कोई भी व्यक्ति सिस्टमैटिकली आता है, यानी मान के चलते अगर आपने आईडी को लगाया और आईडी लगने के बाद में आपके नीचे 1000 लोग आ गए, मतलब आपने काम नहीं किया कंपनी में लोग लगे, तो इसमें क्या होगा कि कंपनी में लगने वाले सारे लोग वो आपके नीचे ऑटोमेटिक जा जाएंगे। मतलब आप काम नहीं करोगे, ग्लोबल में कहीं भी काम होगा रैपिड के बाजार के अंदर, वो सारी की सारी आईडी आपके नीचे आ जाएगी और सिस्टम आपको पर आईडी $0.1 यानी एक आईडी ₹100 आपको दे देगा। एग्जाम्पल के लिए आपने आज सिस्टम में कार्ड एक्टिवेट करा और कार्ड एक्टिवेट ना करने के बाद आपने कोई भी काम नहीं करा, लेकिन आपके बाद पूरी कंपनी में काम चल रहा था, आपके बाद कंपनी में 1000 लोग आ गए और 1000 लोगों से आपको ₹9 मिलेगा, यानी आपको मिलेगा वहां से ₹9000। ये पैसा आपको हर 15 तारीख को मिलेगा। ये एक ऐसी लिमिट है कि हो सकता है कि आपके पास, जैसे कि अभी 1 साल पहले वो सिस्टम में आए थे रैपिड फैमिली के अंदर, 1 साल पहले आए थे, लेकिन उसकी टीम 1000 लोगों की बनी है, लेकिन कंपनी की टीम 1 लाख लोगों की बन गई। अगर सोचो कि सिस्टम में अगर हम लोग सिस्टम कार्ड लगाते हैं और कार्ड के बाद जितने भी लोग लगेंगे, अगर 1 लाख लोग आपके पास आते हैं कंपनी में, तो 1 लाख लोगों से भी आपको ₹9 मिलेगा, ₹9 लाख आपको सिस्टम से मिलेगा। इसमें पैसा अनलिमिटेड है, आपका 10 लाख भी बन सकता है, 20 लाख भी बन सकता है, 30 लाख भी बन सकता है, 50 लाख भी बन सकता है, और डिपेंड हमारी कंपनी में जितनी आईडीज और कार्ड एक्टिवेट होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और पैसा देने का जो तरीका है वो आपको सिंपल मैंने बता दिया, XRC टोकन है। अब इस पैसे से ही लेन देन होगा जो भी हम लोग करेंगे, और XRC टोकन हमारे ऐसे लिस्टेड है, चाहे आपके पास 1000 बने, चाहे 10 लाख बने, चाहे 20 लाख बने। अभी आपको ये भी दिक्कत नहीं कि आपको 1000 का पेट्रोल मिलेगा, 10 हजार का मिलेगा। आपका पेट्रोल 10 लाख का बनता 10 लाख लगाओ, आपका पेट्रोल बनता 20 लाख तो 20 लाख लगाओ, आपका अनलिमिटेड आपका इनकम बनेगा, अनलिमिटेड आप पेट्रोल लगा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक काम करता है, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। ये सिंपल सा मैंने ओवरव्यू भी दिया है प्रॉब्लम जो मार्केट में थी उसको खत्म करने के लिए, और उसका तरीका क्या करेंगे हम जो इस रैपिड फैमिली के मेंबर है, क्योंकि आपको जो काम होगा वो ग्लोबली काम होगा ही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक काम कर रहे हैं मार्केट में। रैपिड ग्लोबल का एक बेनिफिट जो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो हम लोग शायद लाइफ में काम करें, कार्ड आपका सेम वही है, सबकी 300% की लिमिट है, लेकिन 300% का 300% आपका विड्रॉल होता है। ये है सबसे पहला बेनिफिट कि अगर आपका 1000 जैसे उसमें 1000 पे चलता है, इसमें $100 चलता है, इसमें $100 का कार्ड किया उसमें आपको 300 मिलेगा, लेकिन 300 का 300 जैसे हमारे इंडियन मार्केट में क्या है कि 100% आपको मैंडेटरी शॉपिंग करना, यहाँ पे कोई भी शॉपिंग करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, स्टार्टिंग कोई भी अभी मैंडेटरी नहीं है, नो शॉपिंग। आपका जो 300% है पूरा पूरा पैसा पेट्रोल कर सकते हैं, यानी आपका 1 लाख का जो 3 लाख बनता है पूरा पूरा पेट्रोल कर देंगे, हमें उसे वो शॉपिंग कराएंगे भी डोर्स नहीं है, अभी कोई भी मैंडेटरी टोकन नहीं है, जब तक हम चीजों को कंट्रोल नहीं करते तब तक की बता रहा हूँ। जब हम लाएंगे बहुत अच्छे लेवल पर आ चुके तब शायद हम कुछ बोलेंगे, आप इस टोकन से भी जाकर शॉपिंग कर सकते हो, फिर ये शायद इंडिया का पहला टोकन होगा जो इंडिया मार्केट में काम कर रहा होगा।
100% विड्रॉल जो भी आपका बनेगा, लिमिट कोई भी नहीं है आपका, जो पेआउट बनेगा आपका चाहे लाख बने चाहे 10 लाख बने, उसको भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट रहेगा। कार्ड लेने कंडीशन जो व्यक्ति हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं, जो वर्किंग है अभी अभी, उनके पास प्रॉब्लम क्या है, दो चीजें हैं, एक उनके पास रिडीम वॉलेट है, एक उनके पास शॉपिंग वॉलेट है। शॉपिंग वॉलेट तो अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी हम स्टोर पे काम करते करते, क्योंकि फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं उसको करेंगे तो शायद चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी भी जो ये वाला शॉपिंग वाला पैसा 50-50% यूज कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वाले सिस्टम पे ये वाला पैसा अभी यूज नहीं होगा शॉपिंग वाला। तो ये शॉपिंग वाला नो यूज मैं लिख देता हूँ आपको, समझ में आएगा, अभी यूज नहीं होगा। लेकिन जो रिडीम वाला बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है, इस रिडीम बैलेंस को आप कल से कैश कर सकते हैं, जो ग्लोबल का कार्ड लेने के लिए जो $100 लगेगा, यानी एक टोकन 90 रुपए के आसपास है आपको, टोटल एक टोकन के लिए 9,000 रुपए लगेंगे। रिडीम के पास जिसके पास है 50% रिडीम वॉलेट दे देगा और 50% कैश दे देगा, यानी इसका जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा आप कल से कैश करना शुरू कर देंगे, वो 50% वॉलेट यूज करेंगे, 50% कैश करेंगे, और उसका आईडी ग्लोबल में एक्टिवेट होता चला जाएगा, और ग्लोबल में एक्टिवेट होने के बाद उसका जो पैसा बनेगा वो आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं, वो एक्सचेंज का है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी जो बनेगा उसका आप लिमिट विड्रॉल लगा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ किसकी लिमिट है। अगर आपका प्योर बनता कल 10 लाख रुपए, तो आप 10 लाख रुपए का विड्रॉल लगा सकते हैं, 1 लाख बनता 1 लाख लगे, लेकिन कार्ड जो एक्टिवेट होंगे जो प्योर बनेगा, जो डेली आरवाई बनेगा वो आपको 0.8% मिलेगा, और कुछ आरवाई का आरवाई जो आपको मिलता रहेगा, पूल इनकम हर 15 तारीख को मिलती है, और प्लान एक अलग से और भी दे दूंगा। आपका कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आपके जो पुराने पॉइंट पड़े हुए हैं वो ये काम आपको आएंगे, मतलब कि आपको मार्केट से पैसा उठा समझ में आ गई होगी, और इसके बाद जो 300% पैसा विड्रॉल करेंगे वो यूज करेंगे, जब हमें लगे कि चीजें स्मूथली हो गई हैं, तो पूरी जो आपकी अपलाइन है आप अपलाइन से डिस्कस करके सारी आईडी अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पे जो आपके टीम है आप अपलाइन से डिस्कस करो आपका कार्ड कौन सा है। कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जो पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने, मैं 4 महीने इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि पिछले 6 महीने कोई आया होगा तो उसका 100% पैसा चला गया होगा, जो 100% चलेगा तो लाइबिलिटी पे नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अभी 1% पैसा नहीं गया, जो अभी अभी जैसे कर लिया आए, किसी का 10% गया, किसी का 20% गया, किसी का 10% गया, तो वो जो पेमेंट है वो सारा पेमेंट ये वाला जो ग्लोबल कार्ड पे एडजस्टमेंट कर देंगे, वो पेमेंट जो आपका है वो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन वो टीम के साथ आपके डिस्कस करने के बाद होगा किस किस की आईडी कैसे एक्टिवेट करनी है, क्योंकि वहाँ पर है। अगर आप 10 लाख का धंधा करते हो तो आपकी आईडी 20 लाख रुपए की पेड हो जाएगी, आप 25 लाख का धंधा करते हो तो आपकी आईडी 50 लाख की पेड हो जाएगी, या फिर आप उसमें 25 लाख का विड्रॉल वॉलेट जो आपका रिडीम वाला है 25 लाख रुपए कैश ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से दो तरीके हैं, अगर हम ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो शायद वो शायद अभी कम लोग काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, क्योंकि इस 50% के पैसे से जो बैकअप कंपनी के पास जाएगा वो करीब करीब है आपका 90 डेज नहीं इसको बोल सकता, इसको बोलूंगा मैं 5 महीने, तो 120 डेज में तो ले सकता हूँ, 120 डेज का बैकअप प्लान है हमारे काम करने का अगर 50% के पैसे से, तो 120 डेज आपका कोई भी पे आउट डिले नहीं होगा, और कोई भी पे आउट डिले का ना मतलब कि आपने अगर सोचो नो पे आउट डिले अगर आपका है, कोई भी पे आउट डिले नहीं है आपको, 120-140 अगर आपने कल से एक्टिवेट करना शुरू किया, 4 महीने तक भी आपने कोई भी वर्क नहीं करा, मतलब कि आपने 4 महीने भी कोई काम नहीं किया, तो आपका जो पे आउट है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और 4 महीने के बाद भी नहीं करा तो शायद हम लोग फ्लॉप हो सकते हैं, ये बहुत कल से बात बता रहा हूँ आपको, 4 महीने के बाद काम नहीं करा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं मार्केट में कि 4 महीने पे आउट गया हो और कोई काम ना करे। तो मेन है कि हम लोग बैकअप लेकर चल रहे हैं 120 दिन का, और इतने 120 दिन में अनलिमिटेड विड्रॉल है, जितना भी आपका पैसा बनता है उतना विड्रॉल कर सकते हैं, जितना बनता है उतना काम कर सकते हैं। टीम को अभी जो हम लोग आईना में फंस गए हैं उसको निकालते हुए हम एक पेमेंट सोर्स हम क्रिप्टो, और क्रिप्टो ऑलरेडी एक्सचेंजेबल लिस्टेड है, किसी का वेटिंग पीरियड नहीं है, और किसी के टोकन पे काम नहीं कर रहे, वो अपना खुद का टोकन है, खुद का अगर एक्सचेंज पे लिस्टेड करके तो उसका विड्रॉल ऑलरेडी उसमें रनिंग कोड है, एक्शन वर्किंग कर रहा है, पब्लिकली काम करता है, उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। और एक चीज बता दूं आपको, आने वाले 2024 में क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छी होने वाली है, अगर आपने इसमें 10 लाख भी कमा ली तो 10 गुना आपके अपने आप हो जाएंगे, अगर आपने बिटकॉइन बना के रखे हैं तो बना के रखा, 2024 के बाद जो क्रिप्टो का मार्केट है वो शायद आपके हाथ में नहीं आने वाला, मेरे हाथ में भी नहीं आने वाला, तो आपकी जो कमाई इधर होगी
300 की 300% विड्रॉल कर सकते हैं और 300 के साथ आपका जो एक्सचेंज टोकन है उसको इंस्टेंटली कैश कर सकते हैं, उसमें किसी का वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। सारा सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिक बोर्ड रनिंग है, टीम के साथ डिस्कस करके, टीम को अपने बात करके, क्योंकि जितने भी अप्लायंस है, चाहे हमारे प्रमोद जी हो या मिश्रा जी हो या लल्लू जी हो या अजीत जी हो या जैन जी हो या अभिजीत जी हो या दीपक चौधरी जी, जितने भी लोग हैं, अपनी अपनी टीम से डिस्कस करके आईडी को कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि इस वक्त जो बड़ा है वो बड़ा को खत्म किया जाए और काम पर फोकस किया जाए। इस वाले तरीके से आपको काम की बात कर सकते हो। जिसका 100% गया उसको टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका पैसा नहीं गया उसको एडजस्टमेंट करके, या जिसके पास वॉलेट पड़ा उसको वॉलेट को कैसे कैश करवा उसको बात कर सकते हैं। जैसी टीम शिफ्टिंग होगी, फिर हमारा जो स्टोर बचा है वो है हमारा ट्रेडिशनल काम, जो कि सपना है और सपना आगे रहेगा। वो स्टोर हम कभी ना बंद करने वाले हैं, ना कभी बंद करेंगे। वो स्टोर हमारा ट्रेडिशनल चलेगा। जब कभी हमारी इच्छा होगी, ये जो 300% हम आपको एक्सचेंज में देंगे, हमारा मन करेगा तो आपका एक्सचेंज यूज करवाएंगे, नहीं तो 300% आपको विड्रॉल देकर क्लियर कर देंगे। हमारा जो कमिटमेंट 300% का है, वो 300% आपको विड्रॉल मिलता रहेगा, जिसमें कि हम आपको ये सर पर्सनली नहीं बोलेंगे कि आपको शॉपिंग करना जरूरी है, लेकिन स्टोर पर अगर हमारा करेगा क्योंकि शॉप पर कनेक्ट कर सकते हैं और अपने वॉलेट में भी डाल सकते हैं, तो आप जाके यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शॉपिंग हम मैंडेटरी नहीं कर रहे, आपका शॉपिंग फ्री है और आप इसमें जाके अपना यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो काम है, जो हमारे सपने हैं, जिसकी एक छोटी सी गलती की वजह से सपने खराब हो जाएंगे, वो खराब ना हो। हमारे स्टोर चलते रहे, हमारे जो मॉल वो चलते रहे, हमारे स्टोर चलते रहे, जिससे कि हमारे मार्केटिंग टीम जो है उन टीम को मार्केटिंग को ग्लोबली लाके और 300% के खड़ा कर दिया जाएगी, जिससे कि हमारी मार्केटिंग टीम को पैसे की दिक्कत नहीं आए, हमारे एफिलिएट मार्केटिंग वाले 300% विड्रॉल कर सके, उनको देने के लिए एक्सचेंज हमारे पास खड़ा हुआ है, उसका विड्रॉल रुके नहीं, तो शायद इसके बाद हमारी टीम में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि टीम कहेंगे सभी के साथ कनेक्टेड है और इस कनेक्टिंग टीम की वजह से सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब टीम में कहेंगे पैसा आपको मिल रहा होगा, पैसा आपको जा रहा होगा, तो शायद कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। पैसा नहीं जाएगा, देने का रास्ता नहीं होगा, तो शायद प्रॉब्लम हमारे पास आएंगे। तो ये एक मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैं टीम से बात कर चुका हूँ। इस जून के बाद जितने भी टीम लीडर्स हैं ऑलरेडी टीम के साथ डिस्कस कर लेंगे कि उसकी कार्ड का जो पॉइंट कितना यूज करेगा, कौन सा कार्ड एक्टिवेट करना है, कहाँ पे करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब चीज आप टीम के साथ डिस्कस करेंगे। ये प्लान का ओवरव्यू मैं बाद में दूंगा। फिलहाल के लिए इस चीजों को मैनेज करने के लिए, कैमल सोशल करने के लिए क्रिप्टो को लाया गया। क्रिप्टो को लाने की वजह यह है कि आपकी लिमिट 1000 kg, हम 10,000 भी दे सकते हैं, लाख भी दे सकते हैं। और पिछले जो व्यक्ति के जो कार्ड एक्टिवेट है, इसमें दो चीज आपके पास रहेंगी, ये आप पे कोई जबरदस्ती चीजें नहीं है। जिसका मन रैपिड बाजार के INR मार्केट में करने का है, वो वहां पर करता रहेगा, क्योंकि वहां भी अभी चीजें कंट्रोल बेस पर जा रही है। लेकिन जिसका मन लगता है कि वो अनलिमिटेड कंट्रोल में या पावर में जाकर काम करे, तो वो XRC ग्लोबल में आ सकता है, रैपिड ग्लोबल में। रैपिड ग्लोबल के एक लिमिट्स अलग हैं और रैपिड बाजार की लिमिट्स अलग हैं, लेकिन दोनों कनेक्टिंग क्या है कि आपको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन दोस्तों जानता कोई किसी के बारे में नहीं, जब तुम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जानेंगे नहीं, तो बड़ा पैसा बना नहीं पाएंगे। तो ये सब टीम के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। तो रैपिड बाजार का सिस्टम आपको 1000 जो भी आ रहा है, जिस तरह से बिजनेस का फ्लो चलता जाएगा, उस तरह से उसका फ्लो आता रहेगा। लेकिन उसके बाद भी रैपिड ग्लोबल का जो शिफ्टिंग है, जिस तरह से आपको टीम के साथ डिस्कस करके उसको कन्वे करके, जिसको सेटिस्फेक्शन हो अपनी चीज को समझ के, उसको शिफ्टिंग करके, वहां से विड्रॉल की लिमिट आपकी खत्म हो जाएगी, वहां से काम करने की ताकत आपके रस बन जाएगी, वहां का सारे प्लान आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमने इसलिए डिस्कस की ताकि हम सब लोग रिलीफ होकर काम करें, क्योंकि अभी काम की बात कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि टॉपिक नहीं है काम करने के लिए। तो कल से आप ग्लोबल के साथ काम करके और एक नए तरीके से काम करके अपना आगे डिस्कस कर सकते हैं। ये है मेरी तरफ से कुछ चीजें, आगे मेरी डिस्कस करके फिर इसको आगे सेशन क्लोज करते हैं। रैपिड बाजार का विड्रॉल सिस्टम स्टार्ट होगा, तो पहले इस वीडियो को, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिए, और जब वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर, टेलीग्राम चैनल में जो मैंने वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है, 3-4 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लीजिए।